एक ही जाति के लोग राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको और जाति धर्म के लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक एक वोट का अधिकार होता है। अगर सिर्फ एक जाति के नाम पर आप अगर पार्टी चलाना चाहते हैं चलाएं, एक ही जाति के प्रभारी करना चाहते हैं करें, एक ही जाति के आप जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं बनाएं, एक ही जाति के एक प्रदेश में चार चार पाँच पाँच लोग होते हैं और करते कुछ नहीं है, तो फिर कैसे आप कर सकते हैं? फिर तो आपके वही परसेंट वोट। तो आगे जो नेतृत्व दिया जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक लोग में काम कर रहे हैं, सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे, मैं कम से कम 50 नौजवानों के नाम बता सकता हूँ अपने अपने संगठन चला के जो काम कर रहे थे, उन लोगों को भागीदारी दी जाए, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, वो लोग पूरा प्रदेश संभाल सकते हैं, वो दो दो तीन तीन प्रदेश संभाल सकते हैं। आप ऐसे लोगों को अगर दोबारा लेकर आएंगे, ऐसे लोगों को अगर लेकर आएंगे जो पहले भी कुछ नहीं कर पाए हैं, पहले छोड़ कर चले गए हैं, दूसरे संगठनों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। फिर दोबारा वही बीएसपी रहेगी। बीएसपी में बड़ा बदलाव होना चाहिए, नौजवानों को कहना नहीं है, उनकी भागीदारी दिखा देनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, ब्राह्मणों में भी सही लोग हैं, ज़्यादातर हो सकते हैं खराब लोग हों, मगर कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो भी अभी अखिलेश को जिताना चाह रहे थे, कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे थे कि नहीं अखिलेश ही बचाएगा, अखिलेश ही बचाएगा, अब क्या हुआ उनका देखिए। तो आप विचलित ना हो, आप दूसरे को जिताने के लिए किसी तीसरे को, दूसरे को हराने के लिए किसी तीसरे को ना जिताएं, आप अपने मोर्चे पर डटे रहें। हम हारेंगे जीतेंगे, हम अपने साथ रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना आ गई, उस दिन आप पार्टी को उस शीर्ष पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जब विचलित हो जाते हैं कि नहीं, एक को हराने के लिए दूसरे को जिताने लगते हैं, तो वहाँ क्या है कि पार्टी कमज़ोर होती है। आप पार्टी में मजबूत रहें, पार्टी में अपने भागीदारी मांगें, पार्टी में अपना जो हिस्सा है वो मांगें, पार्टी में लोगों से कहें कि जो आपने बता रहा कि 50% नौजवानों की बात करी है, वो नौजवानों की बात करो करो मत, आप फील्ड पर भी दिखाओ कि नौजवान कितने नेतृत्व कर रहे हैं, नौजवान कितने प्रभारी हैं, नौजवान कितने अध्यक्ष हैं प्रदेशों के, नौजवान कितने राष्ट्रीय लेवल पर हैं, नौजवानों को कितनी भागीदारी दी जा रही है, नौजवानों को कितना अपनी बात को रखने का अधिकार है। जब तक आप लोगों के अंदर ये भावना नहीं भरेंगे, जब तक कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर आपने परिवर्तन नहीं करा तो फिर वही ढाक के तीन पात। सर, लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जो पहले नेता निकाले गए थे उनकी वापसी हो रही है बीएसपी में, आप बीएसपी से जुड़े हुए हैं, बीएसपी के नेता हैं, बहन जी से बहुत नज़दीकी हैं आपकी, क्या ये खबरें सच है? कहा जा रहा है कि जो पुराने नेता निकाल दिए गए थे, जैसे एमएल तोमर हो गए या नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो गए, इनकी सबकी वापसी हो रही है पार्टी में, ऐसा क्या है सर, ये क्या है इन खबरों के मायने? नहीं, बिल्कुल होगी, सबकी वापसी होनी चाहिए, और जो जो लोग भी निकले हैं डेफिनेटली बहन कुमारी मायावती और जो शीर्ष नेता हैं वो बात कर रहे हैं इस बात पे, और डेफिनेटली वापसी होगी और बड़ा बदलाव होगा, और नौजवानों को भी भागीदारी दी जाएगी, बहुत बड़ी भागीदारी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा आंदोलन है जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को पूरा कर सकता है, बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचा सकता है, और बड़ा बदलाव होगा। बहन कुमारी मायावती ने ये सोचा है कि एक बड़ा बदलाव किया जाए और फिर दोबारा खड़ा हुआ जाए, और खड़ा होकर फिर दोबारा लड़ाई लड़ी जाए। बहुजन समाज पार्टी जो अपने एक पूरे चरम पे थी उस समय जब बहन कुमारी मायावती चार बार मुख्यमंत्री बनी 2007 से लेकर 2012 तक पूर्व महत्व बनी, तो ऐसी फिर दोबारा स्थिति आ सकती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप विश्वास बनाए रखें, बहुजन समाज पार्टी ही एक दिन इस देश में राज करेगी। लेकिन सर, कहा जा रहा है, लोग लगातार अब आलोचना कर रहे हैं आप लोगों की, कि आप लोगों ने जो ब्राह्मणों पे दाब लगाया वो सबसे बड़ी गलती करी है 2022। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो लोकतंत्र में सबकी जरूरत होती है, एक एक वोट की कीमत होती है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो और कोई हो, तो हर पार्टी ये सोचती है कि सारे लोग उनको वोट दें, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोकतंत्र में संभव नहीं होता जो हम सोचते हैं, तो हार हुई है, डेफिनेटली हार हुई है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी दाव अगर पार्टी ने सीधा सोचा होगा। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने हमें धोखा दिया है। नहीं, धोखा देने वाली बात नहीं है, ब्राह्मणों ने सोचा कि इधर हम नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ चले गए, तो शायद उनको कन्विंस करने में, शायद उनको बताने में कि हम लोग ज़्यादा सक्षम हैं, हम कामयाब नहीं हो पाए हैं, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम देश के सारे लोगों को। ब्राह्मण कभी बीएसपी की तरफ आया? नहीं, 2007 से लेकर 2012 तक ब्राह्मण कहा जा रहा 16% मिला था कुल, बताइए। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी 60 से ज़्यादा लोग जीते थे, तो ब्राह्मण जीतता है तो जब आता ही है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। और हमें ब्राह्मण भी चाहिए, हमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो प्लस मुस्लिम समाज भी चाहिए, सब लोग चाहिए, पार्टी को सब लोग चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी को समाज नहीं चाहिए, तो आप फिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है। जो आपकी विचारधारा है वो विचारधारा खत्म हो गई है? क्या विचारधारा खत्म होगी बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, मान्यवर साहब बहुजनों की आज भी बात की जाती है, ज़्यादातर बहुजन ही लोग हैं, हर पद पर बहुजन हैं, हर पद पर हमारे दलित एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता, ज़्यादातर टिकट दिया जाता है। कैप्चर कर ली पूरी, ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रा जी ने
कैप्चर कर लिया, उनने कैप्चर कर लिया, तो कुछ किसी ने कैप्चर नहीं करी है। पार्टी पार्टी होती है। हाँ, पार्टी को ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, पार्टी में ज़्यादा लोगों को नेतृत्व देना चाहिए। पार्टी के शीर्ष नेता देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज में उतारना चाहिए। जब तक आप समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं उतारेंगे, ज़्यादा चाहे ओबीसी को नहीं उतारेंगे, आप दलित को नहीं उतारेंगे, आप मुस्लिम को नहीं उतारेंगे, नेतृत्व नहीं देंगे, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। आपको समाज को बताना पड़ेगा। आप तो सोशल मीडिया है आज की डेट में, तो आज की डेट में तुरंत तुरंत खबर चली जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन को भी पता लगा लिया जाता है। तो इसलिए आपको लोगों को ये मैसेज देना है कि हम एक सर्वजन सर्वहिता की पार्टी को एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है सही नहीं है। बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं इसकी, बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, पॉलिसी बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस पर हम ज़्यादा ना बात करके हम बात करें कि अब हम अपनी पार्टी को कैसे अच्छी तरह हम लेके जाएंगे, कैसे उसको अच्छी तरह हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस कभी सत्ता में हुआ करती थी, आज जीरो है कांग्रेस भी, ऐसा नहीं है। पार्टियाँ उतरती रहती चढ़ती रहती हैं, पर आज ही अगर हमने इनसे लेसन नहीं लिया, अगर सबक नहीं लिया इन परिस्थितियों से, तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को कौन सा प्लेटफॉर्म देके जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो माननीय काशीराम साहब ने दिया था, उसमें बहुत सारे लोग नेतृत्व बने, नेता बने, बहुत सारे लोग विधायक बने, बहुत सारे लोग MP बने, बहुत सारे लोग मिनिस्टर बने। आज स्थिति ऐसी है कि एक सीट है मात्र, तो एक सीट है, लोगों का मनोबल कम हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर ऐसा नहीं है कि हम दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते हैं, दोबारा हम उस पोजीशन पर नहीं आ सकते। आ सकते हैं अगर नीतियाँ अच्छी हों, नेतृत्व तो अच्छा हो, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पर लगाया जाए। ML तोमर के आने से या फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से कितना बदलाव, कितनी मजबूत होगी पार्टी? देखो, मुझे नहीं पता वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट आएंगे तो सोच समझ के ही बहन कुमारी मायावती इनको लेगी, और डेफिनेटली जो पहले वो करा करते थे, अगर वो दोबारा ना करें और एक अच्छे प्लेटफॉर्म दें, मुझे लगता है कि पुराने लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, बट नए लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि पुराने ने तो कुछ पहले भी कोई ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कुछ कराई है। वो ऐसी मानसिकता के लोग, कभी इन्होंने किसी आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी है। सर, ऐसा नहीं लगता आपकी पार्टी में AC कल्चर ज़्यादा हो गया, ग्रास रूट पे काम बहुत कम हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, जो लोग काम करने वाले हैं वो आज भी काम करने के तैयार हैं, मगर अफसोस है कि उनको सही डायरेक्शन में उनको सही जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अगर उनको सही जिम्मेदारी दी जाएगी, डेफिनेटली वो लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अफसोस तो यही है कि जो करना चाहते हैं उनको करने नहीं दिया जाता, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको बार बार आगे लेकर आया जाता है। आप सोचो ना, जो करने के लिए तैयार हैं, जो रात दिन अपना घर छोड़कर लगने के लिए तैयार हैं, अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, पार्टी को ऊपर उठाना चाहते हैं, पार्टी को और जो पार्टियां उनके साथ में खड़ा करना चाहते हैं, बट उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। कहा जाए ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो 50 साल से कह रहे हैं कि भैया हम आंदोलन चला रहे हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं। एक आदमी पैदा नहीं करा उन्होंने। मुस्लिम को ये विश्वास दिलाया जाए कि हम आपके साथ हैं और आपको आपकी समस्या और हमारी समस्या सेम है, हम दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे तो हम दुश्मन को हरा सकते हैं, तो ये विश्वास दिलाने में हम नाकामयाब रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम को विश्वास दिलाया है लोगों ने, वहाँ वहाँ मुस्लिम ने अपना 100% दिया है। हाँ, मुस्लिम की कमी निकालते हैं, हम अपनी कमी भी तो निकालें कम से कम। देखो, उनको वापस लाया जाएगा, सब लोगों को वापस लाया जाए। यहाँ एक आदमी की जरूरत नहीं है, यहाँ लाखों लोगों की जरूरत है, लाखों पदाधिकारियों की जरूरत है। यहाँ लोकतंत्र है, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी हमारी है, पूरा देश खाली पड़ा हुआ है, पूरे देश के लोग काम करने के लिए तैयार हैं। उनको काम करने के लिए पूरी पावर दी जाए, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। जब तक उनको पावर नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, वो अपने मन मस्ती इस्तेमाल करके राज्य में अगर प्लानिंग ना बनाता है तो फिर कैसे काम चलेगा। ये ना एक वो प्रोटोकॉल कर रखा है, ये काय का प्रोटोकॉल बना रखा है यार, तुम जीरो पे हो, काय का प्रोटोकॉल है भैया? प्रोटोकॉल जब चलता है, जब सीनियर आदमी हो आप, किसी आदमी को अपने साथ जोड़ने में कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको जोड़ा जा सकता है। आप लोगों के पास जाएँ, आप लोगों के पास तो जाते नहीं है, आप लोगों को जोड़ते नहीं है। जो हमारे बामसेब के लोग थे, जो पुराने लोग हैं, वो बेचारे घरों पर बैठे हैं, उनको तो ऐसी कोई टीम नहीं बनाई कि उनको चुन चुन के दोबारा उनको बोला कि आप दोबारा काम करें। वो लोग चाह रहे हैं कि कहाँ काम करें। अब कोई आदमी काम करे तो करे कैसे, जब तक उसको कोई पदाधिकारी उसको जिम्मेदारी नहीं देगा, उसको ये नहीं बताएगा कि आपको ये काम करना, कैसे काम करेंगे बताइए, वैसे घूमते रहो। तो ये लोगों को लगना पड़ेगा, और जब तक आप लोगों को सही रूप से काम नहीं लेंगे, लोगों से सही रूप से काम नहीं लेंगे, जब तक ऐसा ही रहेगा। पार्टी को बदलना है, पोजीशन को बदलना है, तो आपको बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। आपको ऐसा मैसेज देना पड़ेगा समाज को कि नहीं, अब हम बदल चुके हैं और अब एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं।